मुझे पर्सनली इस मूवी से कोई भी उम्मीद नहीं थी। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तब मुझे वो रत्ती भर भी पसंद नहीं आया था। बस इतना था कि उसके अंदर सैफ अली खान और अर्जुन कपूर इन दोनों को एक साथ देखने को मिलेगा, ये वाली इच्छा थी कि हाँ ये दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, बस इतनी ही इच्छा थी इस मूवी को लेकर। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा भूत पुलिस मूवी के बारे में, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। तकरीबन इसकी लेंथ जो है वो 2.5 घंटे की है। अब कमाल की बात देखिए कि 2.5 घंटे की मूवी को देखने के लिए एक इंसान को कितना टाइम लगेगा, मतलब 2.5 घंटे लगने चाहिए ना। मुझे लगे 2 दिन इस मूवी को देखने, मुझे 2 दिन लगे, मतलब इतना पका दिया इसने स्टार्टिंग के अंदर, इतना पका दिया। मैंने उसे वहीं स्टॉप कर दिया, मैंने कहा भाई मुझे नींद आ रही है, मुझसे इसे आगे नहीं देखा जाएगा। फिर अगले दिन मैंने इसलिए इसे कंटिन्यू किया क्योंकि यार इससे एक वीडियो बन जाएगी, एटलीस्ट कुछ तो चला जाएगा चैनल पर। तो इस मूवी के अंदर कास्ट है सैफ अली खान, यामी गौतम, जावेद जाफरी, जैकलीन फर्नांडिस और एक्सप्रेशन लेस अर्जुन कपूर, इसके बारे में तो स्पेशली बात करेंगे। इस मूवी का जो जोनर है वो हॉरर कॉमेडी का है, जैसे वो स्त्री मूवी का काफी ऑन जो है इस मूवी को कंपेयर कर रखा है स्त्री मूवी से कि हाँ उस टाइप की मूवी है, भूत दिखाएंगे, उसे डराने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ वो हंसाने की कोशिश करेंगे। जब IMDb के ऊपर जाकर देखा तो मतलब हैरानी थी, वहां पर लोग भांग पीकर इसको नशा, मतलब उन्होंने इसको रेटिंग कर रखी थी 10 out of 10। अबे पागल हो गए हो क्या तुम लोग, इसमें ना तो हॉरर है ना तो इसके अंदर कॉमेडी है। आते हैं इस चीज के ऊपर, बस फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मूवी की कहानी की बात कर लेते हैं। दो व्यक्ति हैं जिनका नाम रहता है चिरंजी और एक का नाम होता है विभूति, दोनों भाई हैं, दोनों तांत्रिक हैं बट फेक वाले। अब चिरंजी जो है उसको यकीन है कि भूत होते हैं और विभूति जो है वो लोगों का अंधविश्वास का फायदा उठाता है। वो कहता है भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं, सब ठगने का काम है, हम ठगते जा रहे हैं, हमारा काम चलता जा रहा है। और उनकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब यामी गौतम उनसे मिलने आती है और कहती है कि असली वाला भूत है, तो चलो भाई हमारे साथ भूत भगाने। तो वहां पर ये ट्विस्ट देखने को मिला था, ट्विस्ट भी नहीं कहूंगा यार, वो बस जो भी है बस वहां पे थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। अब ये दोनों असली भूत से जब मिलते हैं तो क्या होता है, तो देखो उसके लिए तो आप लोगों को मूवी देखनी पड़ेगी। यार ये कहते हुए भी मुझे सोच समझ के अपने शब्दों का यूज करना पड़ रहा है कि अगर मैंने किसी को मूवी रिकमेंडेड कर दी और उसको पसंद नहीं आई, मतलब पसंद आने वाली तो है ही नहीं, मतलब पसंद का मैंने नाम कैसे ले लिया, वो आकर मुझे ही गाली देगा यार तुमने तो रिकमेंडेड की थी ना, यार नहीं मैं इसको रिकमेंडेड कर भी नहीं रहा हूं। तो चर्चा कर लेते हैं इस मूवी के अंदर अच्छा क्या है इसके अंदर। अच्छा दो ही चीजें हैं जिसका मतलब इस मूवी के मतलब जितना भी बुरा है उन बुरा में से थोड़ा बहुत मैंने अच्छे छांटने की कोशिश की है, वो दो ही हैं परफॉर्मेंस के मामले में, सैफ अली खान और यामी गौतम। बाकी उन्होंने जैसी एक्टिंग करते हैं बाकी मूवीज के अंदर उन्होंने हमें देखा हुआ है वैसी वाली एक्टिंग नहीं है, मतलब उससे भी तो बिलो एवरेज की एक्टिंग इसके अंदर की गई है। बट मूवी के अकॉर्डिंग बात करो, मूवी में बाकी कलाकारों ने जैसी एक्टिंग किया उससे तो बेटर ही इन दोनों ने किया, सैफ अली खान और यामी गौतम ने। हाँ सैफ अली खान के थोड़े बहुत एक्सप्रेशन हमें हंसा देते हैं, और सेम ही चीजें मैं यामी गौतम के लिए भी बोल सकता हूं कि उन्होंने जब जो डायलॉग बोले उनका जो एक्शन था वो उन्होंने अच्छे से कैच कर रखा था। तो ये थोड़ी बहुत चीजें देखो मुझे छांटनी पड़ रही है, हाँ ये वाला अच्छा है ये वाला बुरा है, मतलब बुरा तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत जो इसके अंदर अच्छा है वो मुझे छांटना पड़ रहा है। और इस मूवी के अंदर लास्ट में जाकर, लास्ट का मतलब कुछ 10 सेकंड या 5 सेकंड का कुछ वो सीन होगा वो थोड़ा बहुत इमोशनल कर देता है। यार आप लोगों को कोई चीज पसंद आई है इस मूवी के अंदर वो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर खराब क्या है, मतलब सबसे पहली चीज खराब नाम लेते ही जो मेरे दिमाग में वो है अर्जुन कपूर। मतलब यार वो एक्सप्रेशन है, वो सच में एक्सप्रेशन है। अबे यार मतलब तुम्हारे साथ सैफ अली काम कर रहे हैं, वो अपनी एक्टिंग में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग बात है कि उनको एक्टिंग करने के लिए ज्यादा कुछ दिखाया नहीं, मतलब उनको दिया नहीं गया, उनको डायलॉग अच्छे नहीं दिए गए, बट एट द एंड वो कर रहे हैं कोशिश। लेकिन अर्जुन कपूर तो वो भी नहीं कर रहे, क्या कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो रहा, एक इंसान अच्छा करने की कोशिश कर रहा और तुम वहां पर हगे जा रहे हो। और अब बात करते हैं जैकलीन फर्नांडिस के लिए, जैकलीन फर्नांडिस के लिए तो एक बात मुझे अच्छी ये लगी कि इनको बोलने के लिए बहुत कम दिया गया, जो अच्छी बात है ताकि जो इनकी हिंदी है जो अजीबोगरीब हिंदी है बनावटी हिंदी वो कम सुनने को मिली। बाकी एक्सप्रेशन तो भाई साहब मतलब ये समझ लो अर्जुन कपूर और जैकलीन फर्नांडिस दोनों सेम लेवल के ऊपर हैं। पत्थर देखा है आपने, पत्थर सेम एक्सप्रेशन है पत्थर, मतलब आप पत्थर को किसी भी मूवीज में रख दीजिए वो कैसे एक्सप्रेशन देगा, दोनों के सेम एक्सप्रेशन है, कुछ भी नहीं है। हाँ जैकलीन फर्नांडिस सुंदर लग रही थी, शायद उसी के लिए इस मूवी में उनको लिया गया, केवल सुंदरता के लिए मूवी में लिया जा रहा है, परफॉर्मेंस तो दूर दूर तक नहीं है। और फिर उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिए भाई साहब, भूत को देखकर जोर से चिल्लाना और मतलब डर का वो एक्सप्रेशन, भाई साहब हम पे एहसान कर रहे हो एक्सप्रेशन देखकर, मत करो ना यार इतना फेक एक्सप्रेशन।
सच कहूं अगर मूवी को थोड़ा बहुत अगर अच्छा बनाना होता तो ये दो कलाकार हैं अर्जुन कपूर और जैकलिन फर्नांडिस, इनको दूर हटाते हैं और थोड़ा बहुत मूवी की स्टोरी के ऊपर वर्क कर लेते हैं, इसको कॉमेडी में थोड़ा बहुत तब्दील कर लेते हैं। देखो हॉरर तो इसमें दूर दूर तक नहीं है भाई साहब, हॉरर तो मतलब कैसे इन्होंने हॉरर जोड़ दिया है यार। अगर ये थोड़ा बहुत कॉमेडी के ऊपर भी वर्क कर लेते ना तो डिसेंट कॉमेडी वाली मूवी बन जाती और शायद हम इसको वन टाइम इसको वॉच कर सकते थे। और इसके अंदर थोड़ा बहुत सस्पेंस की बात देखने को मिलती है यार। देखो यार मुझे सस्पेंस कहते हुए भी शर्म आ रही है कि वो सस्पेंस है। खैर जो बात कर रहा हूं शायद जब आप इस मूवी को देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा, बट मैं सच कहूं मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम खराब हो इस मूवी को देखकर। और बुरा मुझे लगा जावेद जैफरी जी को देखकर, उनको जिस तरीके का वो रोल दिया गया यार, इतने बढ़िया कलाकार, इतने अच्छी एक्टिंग करने वाले को इतना बकवास सा रोल दे देना। देखो अब पूरी ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन देना चाहूं तो देखो मूवी की जो स्टोरी है वो बकवास है, मतलब बकवास भी वर्ड जो छोटा लगेगा, इतनी वाहियात स्टोरी है, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उस चीज को। और दो लोगों की परफॉर्मेंस आप लोगों को ठीक ठाक लगेगी, एक तो सैफ अली खान है, यामी गौतम है, और आपको बुरा लगेगा जावेद जाफरी सर को ऐसी परफॉर्मेंस करते हुए जिस तरीके का उनको रोल दिया गया है। और दो करेक्टर, दो कलाकार कहते हुए भी मुझे मतलब अपने आप को मतलब शर्मिंदा फील कर रहा हूं, मैं कलाकार कह रहा हूं, थोड़ा बहुत काम करो यार कलाकारी के ऊपर, कैसे परफॉर्म करते हैं उस चीज के ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत तो यार सीख कराओ यार कैसे एक्सप्रेशन करते हैं। या अर्जुन कपूर और जैकलिन फर्नांडिस इन दोनों ने बहुत ज्यादा इरिटेट किया है सच में, अगर इनकी जगह कोई अच्छा ले लेते ना सच में थोड़ा बहुत तो इस मूवी में मतलब कम सहना पड़ता, थोड़ा बहुत शायद हम इंजॉय कर लेते हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10, वो भी इसलिए कि यार 1 क्यों दे रहा हूं मुझे भी नहीं पता यार, सच में मेरा भी दिमाग खराब हो गया, मुझे नहीं पता मैं किस लिए दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी है देखो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा टाइम सबसे ज्यादा कीमती है, लगभग ढाई घंटे इस मूवी को देने पड़ेंगे और एट द एंड क्या करोगे, अपने बाल नोचते हुए मिलोगे या फिर मतलब तुम बोर हो जाओगे यार मूवी क्यों देख रहे हो, ताकि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिले, वो ही नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेटेड तो होगे, और वो चीज है इसके अंदर, मतलब एंटरटेनमेंट नहीं फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर। तो अपने आप को दूर रखो इन जैसी वाहियात मूवी से और जाके कुछ अच्छा देखो, इवन कुछ पढ़ लो यार, किताब पढ़ लो, इवन यूट्यूब पे अच्छी अच्छी चीजें उन्हीं को देख लो, बट इस मूवी को मत देखना। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।